दोस्तों जब भी बात आती है ब्लड प्रेशर मैनेज करने की, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने की या कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो है गार्लिक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गार्लिक का जो यूज़ है वो सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने से आपको मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गार्लिक से होने वाले 7 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गार्लिक को इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है और इसको कितनी डोज में, कितनी मात्रा में आपको रोज़ाना लेना चाहिए ताकि इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं गार्लिक से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। गार्लिक की सबसे पहली और सबसे नोटवर्दी प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत। आप सभी जानते हैं कि गार्लिक जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन कैसे कम करता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। गार्लिक जो होता है, जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है, यानी उनको फैलाने का काम करती है, रिलैक्स करने का काम करती है। जब हमारी ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, खून का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, और यही वजह है कि गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये बात रिसर्च से भी साबित हो चुकी है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया कि 3 महीने रेगुलर 2 पीस गार्लिक के यूज़ करने से जो पेशेंट्स थे, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे, उनका जो ब्लड प्रेशर था वो करीब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 8 पॉइंट तक कम हो गया। सिस्टोलिक यानी जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर था वो करीब 8 पॉइंट तक कम हो गया, और जो डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे वाला प्रेशर था वो करीब 5.5 पॉइंट तक कम हो गया। ये एक बहुत बड़ी स्टडी थी जिससे ये बात साबित हो गई कि गार्लिक का जो ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत है वो कंपेरेबल है जो मेडिसिन हम लोग एलोपैथी वाली लेते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको गार्लिक को यूज़ करने से होता है वो होता है इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होता है ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ को जन्म देने के लिए। लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब है जैसे कि बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, या डायबिटीज़ होती है, या फिर कैंसर होता है, या आर्थराइटिस होती है, ये सभी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं। तो जो लोग गार्लिक को रेगुलर यूज़ करते हैं उनके अंदर जो इन्फ्लामेशन पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो कम होते हैं, और उनके अंदर इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो गार्लिक को रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। तो गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने से आप डायबिटीज़ से भी बचते हैं, आप आर्थराइटिस से भी बचते हैं, और आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तीसरा जो बहुत प्रोमिनेंट बेनिफिट हमें मिलता है गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने का वो ये है कि ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। गार्लिक को रेगुलर जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देता है। स्टडीज़ में ये पाया गया कि जिन लोगों ने 3-4 महीने तक रेगुलर यूज़ किया गार्लिक का, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल था वो भी, और जो LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया। और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने से आपका LDL भी कम होता है और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ज़रूर है कि अगर आप गार्लिक यूज़ कर रहे हैं अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके इंटरनल जो कोलेस्ट्रॉल है यानी जो आपकी बॉडी बना रही है उसको बनाना कम कर देता है। आप जो डाइट के साथ कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं या जो ऑयल या फैट खा रहे हैं उसको ये हज़म नहीं करता है। यानी अगर आप गार्लिक खा रहे हैं साथ में आप खूब सारा कोलेस्ट्रॉल भी खा रहे हैं तो उससे आपकी कोलेस्ट्रॉल पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जो इंटरनल आपका कोलेस्ट्रॉल बन रहा था वही इससे कम होगा जो आप बाहर से लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम गार्लिक खा रहे हैं तो ये सब हज़म कर देगा और कोलेस्ट्रॉल खा लिया वो सब उड़ जाएगा कहीं हवा में, ऐसा नहीं होता है। गार्लिक सिर्फ आपके इंटरनल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एक्सटर्नली जो आप डाइट से ले रहे हैं उस पर गार्लिक का कोई असर नहीं पड़ता है। तो गार्लिक अगर आप ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तो इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा जो बेनिफिट आपको मिलता है गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने से वो ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
गार्लिक के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और वायरस दोनों के इन्फेक्शन से, दोनों के हमले से महफूज रखता है और आपको छोटी छोटी बीमारियां जो मौसमी होती हैं जैसे बुखार खांसी वगैरह है इससे भी महफूज रखता है, और जो बहुत सारी बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे टाइफाइड वगैरह उनसे भी कहीं ना कहीं आपको सेफ रख सकता है अगर आप रेगुलर इसका यूज़ करते हैं। तो पांचवा बेनिफिट गार्लिक को यूज़ करने का आपको ये मिलता है कि ये आपके ब्लड की स्टिकीनेस को यानी उसकी क्लॉटिंग को कम कर देता है। जो लोग रेगुलर गार्लिक को यूज़ करते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है आपके अंदर हार्ट अटैक का खतरा कम होता है क्योंकि हार्ट अटैक में क्लॉट्स ही बन जाते हैं या थ्रोम्बोसिस हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रोक का खतरा आपको कम होता है, एंजाइना आपको कम होगा क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है यानी जो हमारी आर्टरीज सख्त हो जाती हैं उसको भी ये ठीक करता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और हमें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से और स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियों से सेफ रखती हैं। छठा फायदा जो आपको होता है गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने से वो होता है इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स से। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, हमारी नसों के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है गार्लिक को रेगुलर यूज़ करने का कि आपके अंदर जो रिक्वायर्ड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स सेहत को बनाए रखने के लिए वो आपको भरपूर मात्रा में गार्लिक के थ्रू मिल जाते हैं। सातवां जो बेनिफिट आपको मिलता है गार्लिक यूज़ करने से वो थोड़ा सा अलग है, वो आपकी सेहत से या मेडिकल से उसका ताल्लुक नहीं है। गार्लिक को आप जब अपने खाने में यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो फ्लेवर है उसका टेस्ट है वो बढ़ जाता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलर अपनी डाइट में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से एक इसका बेनिफिट है, इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप रेगुलरली अपनी डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अलग से गार्लिक नहीं लेते हैं तो आप अपने खाने में ही इसको इस तरह से शामिल कर सकते हैं, जैसे आप दाल बना रहे हैं तो तड़के में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक का पाउडर आप बना सकते हैं सुखा के उसको आप खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, या गार्लिक की चटनी बहुत से लोग खाते हैं वो आप बना के खा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, गार्लिक ब्रेड्स आजकल आ रही हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गार्लिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर है कि आप उसको तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को अपना सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह का बेनिफिट या इस तरह का एडवांटेज आपको शायद दूसरी हर्ब्स में नहीं मिलेगा जहां आपको टेस्ट भी मिल रहा है और बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, बट गार्लिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। तो ये तो बात हो गई गार्लिक से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ गार्लिक को यूज़ करने का सही तरीका। देखिए जो बेस्ट वे है गार्लिक को यूज़ करने का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसके मेडिसिनल फ़ायदे के लिए, वो ये है कि आप इसको कच्चा साबुत खाएं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं और हम खानों में भी इसको खाते ही हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो तब मिलेगा अगर आप इसको कच्चा साबुत खाते हैं। तो इसको खाने के लिए दो तरीके आपके पास हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि आपने दो पीसेस ले लिए गार्लिक के और उनको मुँह में डबाला, चबा लिया और ऊपर से पानी पी लिया, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब आप गार्लिक को मुंह में डाल के चबाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इससे आपकी ज़बान जल जाएगी और आपको गले में और सीने में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो सकती है। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको इस तरह से गार्लिक खाने से वॉमिट भी आ गई। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो इस तरह से खाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसको ज़्यादा आसान तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। इसका आसान तरीका ये है कि आप एक खरल ले लीजिए, खरल वो जिसके अंदर हम जड़ी बूटियाँ कूटते हैं, वो खरल लेने के बाद उसमें आप दो पीसेस डालिए गार्लिक के टुकड़े और उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद उसको आप लीजिए, मुंह में डालिए और तुरंत एकदम से पानी पी लीजिए, ज़्यादा देर मुंह में रखिए ही मत। उसे क्या होगा कि आपका एज इट इज़ पूरा साबुत लहसुन भी अंदर चला गया और आपको उसका टेस्ट भी ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि आप उसे चबा नहीं रहे। जब आप चबाते हैं तो काफ़ी देर तक मुँह के अंदर लहसुन रहता है, उसका टेस्ट भी आ जाता है और उससे आपको जलन भी महसूस होती है। लेकिन अगर आप बाहर खरल में उसको थोड़ा सा पीस लेंगे और ऐसे ही रख के एकदम से पानी पी लेंगे तो उससे आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और जो शिकायत है जलन की या वॉमिटिंग की वो भी आपको नहीं होगी।
तीसरी चीज़ ये आती है कि गार्लिक आपको कितना लेना चाहिए। देखिए, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उस केस में तो आप रिकमेंडेड जो डोज है उस मैन्युफैक्चरर की, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन को कच्चा खा रहे हैं तो उसके जो दो टुकड़े होते हैं वो आपकी थेरेप्यूटिक डोज के लिए काफ़ी होते हैं। तो आप दो टुकड़े लहसुन के रोज़ाना ले सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और जो थेरेप्यूटिक डोज है लहसुन की वो भी आपकी बॉडी के अंदर पहुँच जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आज आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और आप आज से ही लहसुन को अपनी रेगुलर डाइट में और एज ए थेरेप्यूटिक मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी जगह पर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।